हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी एकेडमी। गाइस, आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ। सपोज यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ, सपोज एक चार्ज है अपने पास Q1 और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक और चार्ज है Q2। बच्चों, इसको आप पॉजिटिव एज्यूम कर लो, इस चार्ज को आप नेगेटिव एज्यूम कर लो, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यह पता है कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, इट मीन्स ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, और वो फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन का। बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि चार्ज Q1 ने Q2 पर फोर्स एग्जर्ट किया है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट में है? क्या ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, या ये दोनों डायरेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं? यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, मतलब एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, ना तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना किसी थर्ड बॉडी के थ्रू एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं, फिर भी ये तो चार्जेस दोनों एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया कि बिना एक दूसरे को टच किए ये दोनों चार्जेस कैसे फोर्स एग्जर्ट करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो ये बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, सपोज कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि हर एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज, कोई भी चार्ज हो, वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये जो चार्ज है सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहाँ प्रोड्यूस करेगा, अपने सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी अदर चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करती है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जर्ट करेगी फोर्स ऑन अदर चार्ज, अदर चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज हमें समझनी है कि यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर हमने क्या किया, पहले हम क्या बोलते थे कि Q1 Q2 पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, Q1 डायरेक्ट फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, Q1 सबसे पहले क्या करेगा, अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और फिर वो फील्ड किसी दूसरे चार्ज Q2 पर फोर्स एग्जर्ट करेगी। बच्चों, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो मैंने कहा है एक पॉजिटिव चार्ज है अपने पास Q1। अब ये Q1 क्या करता है, ये Q1 सबसे पहले अपनी फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सपोज इसने अपनी फील्ड प्रोड्यूस की इस तरीके से, अपने सराउंडिंग स्पेस में इसने क्या किया, फील्ड प्रोड्यूस की, ठीक है। तो यहाँ पर इसने अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस की, यानी कि अपने आसपास के रीजन में क्या करता है, ये फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर ये जो फील्ड है वो किसी अदर चार्ज Q2 पर क्या करती है, फोर्स एग्जर्ट करती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसमें एक तीसरा टर्म आ गया है, फील्ड, ठीक है बच्चों। यानी कि कोई भी चार्ज डायरेक्ट फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, वो चार्ज क्या करेगा, वो चार्ज सबसे पहले अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और फिर वो फील्ड किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करेगी। यानी बच्चों, अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सबसे पहले पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी चार्ज की फील्ड की कैलकुलेशन करना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है। यानी कि सबसे पहले किसी चार्ज ने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया है ये कैलकुलेट करना, और जो सेकेंड पॉइंट है अपना वो है फोर्स एग्जर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एग्जर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये चैप्टर अब हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है, वो फील्ड किसी अदर चार्ज पर कितना फोर्स एग्जर्ट करती है। तो बच्चों, आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि चार्ज डायरेक्ट किसी चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है, वो चार्ज अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
और देन वो फील्ड किसी अदर चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करती है। मतलब जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे क्यू वन चार्ज है, तो क्यू वन चार्ज यहाँ पर क्या करेगा, सपोज ये क्यू वन चार्ज है, तो क्यू वन चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास के स्पेस में क्या प्रोड्यूस करेगा, फील्ड। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, फील्ड ऑफ चार्ज क्यू वन, ठीक है, यानी कि चार्ज क्यू वन की यहाँ पर फील्ड होगी। और फिर अगर यहाँ पर सपोज मैं कहता हूँ कि क्यू टू चार्ज है, तो ये क्या होगा, जो Q1 की फील्ड है, यानी कि इस पूरे स्पेस में जो Q1 की फील्ड है, वो इस चार्ज Q2 पर फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों जनरेट किया, ठीक है, क्योंकि हम ये समझ पाएं कि चार्ज डायरेक्ट फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट में, ये तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कैसा क्या रहा होगा यहाँ पर, कि पहले किसी चार्ज ने अपनी फील्ड प्रोड्यूस की होगी, फिर वो फील्ड किसी अदर चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करेगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं फील्ड को डिफाइन कैसे किया गया है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, फील्ड को डिफाइन कैसे किया गया है। देखिए जो फील्ड है इसको दो अलग अलग मेथड से डिफाइन किया गया है। सबसे पहले ये है कि फील्ड को हम वेक्टर से भी डिफाइन करते हैं और फील्ड को हम स्केलर क्वांटिटी से भी डिफाइन करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम वेक्टर से भी डिफाइन करते हैं और स्केलर से भी डिफाइन करते हैं। देखिए वेक्टर से डिफाइन करने का जो मेथड बताया गया है वो ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर से डिफाइन करते हैं, और स्केलर क्वांटिटी है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों फील्ड को रिप्रेजेंट करने के अपने पास दो पैरामीटर हो गए, आप E वेक्टर का यूज करके भी फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप फील्ड को पोटेंशियल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चों इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करते हैं मतलब हम बात कर रहे हैं ई वेक्टर की, आप इसको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो ई वेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया, देखिए बच्चों E को डिफाइन करने के लिए किया ये गया, सपोज यहाँ पर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सपोज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नेगेटिव चार्ज आपने दे दिया, तो वो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया, आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो किसी पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रोड्यूस करेगी या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो बच्चों इसको डिफाइन ऐसे किया गया है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पर आप क्या करें, एक टेस्ट चार्ज रखें, यानी कि जो स्टेप वन है क्या है, पुट अ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी, ठीक है। आपने क्या किया, जहां पर फील्ड आपको फाइंड करनी है वहां पर आपने टेस्ट चार्ज रखा। अब बच्चों सबसे पहले टेस्ट चार्ज है क्या ये मैं आपको बता दूं, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी दो खास बात है, पहला ये पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा जिसका मैग्नीट्यूड होता है, इस चार्ज की जो वैल्यू होती है, अमाउंट होता है, वो यहाँ पर वेरी 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 स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है। अभी मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं, बट पहले आप ये समझो टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या है, ठीक है। टेस्ट चार्ज एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, अगर आपसे बोला जाता है टेस्ट चार्ज रखना है, मतलब कैसा चार्ज रखना है आपको, पॉजिटिव चार्ज रखना है, और इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बहुत कम होना चाहिए, यानी कि आप ये कह सकते हो आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, बहुत स्मॉल वैल्यू का चार्ज है, ठीक है, तो आपने एक टेस्ट चार्ज यहां पर रखा। सेकंड पॉइंट है फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स
फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। मतलब अब आप क्या करोगे, जो टेस्ट चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करोगे। तो देखो बच्चों, सपोज ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगी, टेस्ट चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो इसने टेस्ट चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट किया, सपोज एफ फैक्टर, ठीक है, हमने यहां पर ले लिया एफ फैक्टर, ठीक है। अब देखिए फील्ड कैसे डिफाइन की गई, थर्ड पॉइंट, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा हमने, फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब जरा बच्चों इसको समझते हैं, पहले मतलब क्या है इसका। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक चार्ज क्यू नॉट रखा था, और जब हमने चार्ज क्यू नॉट रखा, क्यू नॉट कैसा था, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हमने रखा और देखा कि कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो हमने फोर्स लिख लिया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था, एफ। फिर हमने क्या देखा, अब आप ऐसा समझो जो चार्ज क्यू नॉट है, ठीक है, क्यू नॉट, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एफ वेक्टर। तो चार्ज का यूनिट अमाउंट जो होगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। इट मींस यूनिट चार्ज, आप ये कह सकते हो टेस्ट चार्ज का यूनिट अमाउंट जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आप कह सकते हो फोर्स ऑन यूनिट अमाउंट, फोर्स ऑन यूनिट अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज, यूनिट अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है बच्चों। यानी कि टेस्ट चार्ज का यूनिट अमाउंट जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 न्यूटन पर कूलम, है ना। फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, और चार्ज की क्या हो गई, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर कूलम। सपोज मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर है 2 न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब ये होगा कि अगर उस पॉइंट पर आप 1 कूलम का चार्ज रखते हो, ठीक है, कितना चार्ज रखते हो, 1 कूलम का चार्ज रखते हो, तो वो जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 2 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी हमें ये पता चल रहा है कि अगर वहां पर कोई चार्ज होता तो उसका यूनिट अमाउंट 2 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहीं ना कहीं क्या आइडिया दे रही है कि अगर वहां पर कोई चार्ज होगा तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो आप ये भी बता सकते हैं कि क्यू चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो एक बात हमें समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो आप ये समझो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई अपने पास, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था क्यू नॉट कैसा है, पॉजिटिव है, है ना। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, इट मींस कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि नीचे वाला टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही फील्ड की डायरेक्शन होगी, ध्यान देना, कोई भी चार्ज नहीं, ओनली पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आप कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन यहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ठीक है बच्चों। दूसरा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने यहां पर टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यों लिया था, ठीक है, चलिए इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। सपोज बच्चों आपको यहां पर एक चार्ज गिवन है जिसकी वजह से आपको क्या कैलकुलेट करना है, फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आपने इस तरह से चार्ज बॉडी ली और इस पॉइंट पर हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब देखो बच्चों, अगर हम यहां पर स्मॉल चार्ज लाते हैं, ठीक है, आपने क्या लिया, स्मॉल चार्ज लिया, स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो अगर ये वाला चार्ज स्मॉल होगा तो ये स्मॉल चार्ज, ये जो सोर्स चार्ज है ना जिसकी फील्ड आप फाइंड करना चाह रहे हो उस पे जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो कम होगा, और अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा होता तो ये बहुत ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करता। यानी कि चार्ज अगर ये कम होगा
तो फोर्स जो इस पर एग्जर्ट करेगा वो भी कम होगा। यानी कि स्मॉल चार्ज होने से फ़ायदा क्या होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपना है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन सपोज आपने एक बहुत बड़ा चार्ज ले लिया, ठीक है, अगर आपने यहाँ ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज ले लिया तो वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर देगा, इसको चेंज कर देगा। जिससे होगा क्या, आप जिस चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड करना चाहते हो वो तो चेंज हो गया, तो जो फील्ड आएगी वो भी चेंज हो जाएगी। यानी कि हम जो फाइंड करना चाहते हैं वो रिजल्ट कुछ चेंज होके मिलेगा। इसलिए बच्चों हम चार्ज को क्या लेते हैं, स्मॉल। स्मॉल चार्ज से क्या होगा कि वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना है टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और स्मॉल होता है। आपसे कोई पूछे स्मॉल क्यों होता है तो आप बताओगे स्मॉल चार्ज होगा तो ये सामने वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो ये इसको डिस्टर्ब कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर सकता है। तो जो फील्ड हम फाइंड करना चाहते हैं वो अपने को नहीं मिल पाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो फील्ड की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज अपने पास एक पॉइंट चार्ज है, सपोज अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और प्लस क्यू से हमें आर डिस्टेंस पर, ठीक है, सपोज यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है फील्ड कितनी है। बच्चों स्टेप्स याद करो, क्या क्या मैंने स्टेप्स आपको बताए थे फील्ड फाइंड करने के, कि सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखोगे, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और स्मॉल होता है। तो आपने क्या किया, क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर रख दिया। ये कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जब आप टेस्ट चार्ज यहाँ रखोगे, सेकेंड स्टेप क्या था, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करो। अब बताओ ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा। देखो टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, यानी कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी कि ये अपने को फोर्स पता चल गया। अब मैंने आपसे कहा था टेस्ट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होती है। मतलब ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट पी पर फील्ड की डायरेक्शन भी यही आएगी जिस डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है बच्चों। मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो हमें मिल गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो उससे अवे होगी। अब बच्चों हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। देखिए अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम ये जानते हैं कि फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या था कि क्यू नॉट कितना एक्सपीरियंस कर रहा है एफ, तो क्यू नॉट का यूनिट अमाउंट कितना एक्सपीरियंस करेगा, एफ बाय क्यू नॉट, और यही फील्ड होती है। अब बच्चों बताओ ये क्यू इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये इतना फोर्स एग्जर्ट करेगा। और इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, क्यू नॉट से। तो आप देख सकते हैं क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया, अपने पास क्या बचा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इट मीन्स अगर आप देखें तो ये जो फील्ड है वो क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं कर रही है। इट मीन्स कि अगर अपने पास कोई पॉजिटिव क्यू है और इस पॉजिटिव क्यू से आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर आपको फाइंड करनी है फील्ड क्या होगी। तो बच्चों r डिस्टेंस पर जो फील्ड होगी, सबसे पहले फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो उससे अवे होती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, k चार्ज q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज q। बच्चों हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड आ रही वो क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसकी जगह अपने पास कोई नेगेटिव चार्ज होता तो उसकी वजह से फील्ड क्या होती, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर यहाँ पर अपने पास कोई नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, और इस माइनस क्यू की वजह से हम फील्ड फाइंड करना चाहते हैं,
तो इस माइनस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगी वो देखते हैं बच्चों। इस माइनस क्यू की वजह से देखो फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डिफाइन किया था, फिर से याद करिए तीन स्टेप। पहला स्टेप क्या था कि यहां पर हम कोई टेस्ट चार्ज पुट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या था, ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स फाइंड कर रहा वो देखेंगे। अब बताओ ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और मैंने आपको कहा था पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो क्या होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो होती है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों सबसे पहले यहां पर फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। इट मीन्स मैग्नीट्यूड तो देखो वही आ रहा जो पहले आ रहा था, बट डायरेक्शन का फर्क है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सपोज अपने पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और अगर बच्चों अपने पास नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी पॉजिटिव की वजह से फील्ड है अवे फ्रॉम पॉजिटिव, एंड नेगेटिव की वजह से फील्ड है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये डायरेक्शन वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फील्ड का आपने मैग्नीट्यूड देखा, तो अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है तो दोनों की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट है ये न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा किस तरह के इसमें बन सकते हैं। बट ये जो रिजल्ट है सबसे पहले आप इसको लर्न कर लें अच्छे से कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सपोज आपके पास यहां पर एक चार्ज है क्यू और आप ये देखना चाहते हो क्यू से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर हम यहां पर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ क्या वेरिएशन है, तो यू कैन सी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करें जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे फील्ड यहां पर डिक्रीज होती जाएगी। बच्चों अगर आप यहां पर ग्राफ देखो इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका हम आर के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आर के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ किस तरह का आएगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं आर को जीरो की तरफ टेंड कराता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आर जीरो की तरफ टेंड करता है तो ग्राफ में अगर आप देखें तो फॉर्मूले से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फानाइट को टेंड करेगी। यानी जैसे जैसे आर जीरो को टेंड करेगा फील्ड इन्फिनिटी को टेंड करेगी, और आर जब इन्फानाइट को टेंड करेगा तो फील्ड जीरो की तरफ जाएगी, जीरो को टेंड करेगी। तो बच्चों यहां पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे आर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा फील्ड टेंड्स टू जीरो, यानी कि जीरो आर पर फील्ड क्या होगी, इन्फानाइट होगी, और जैसे जैसे आर इन्फिनिटी को टेंड करेगा फील्ड जीरो को टेंड करेगी। तो ग्राफ आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आर इधर जीरो की तरफ जा रहा है फील्ड इन्फिनिटी को जा रही है, और आर इन्फिनिट को जा रहा है तो फील्ड यहां पर जीरो की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी कि किसी चार्ज से बहुत दूर अगर हम कहीं फील्ड फाइंड करते हैं तो वो जीरो की तरफ टेंड कर जाती है, और चार्ज के बहुत पास अगर आप फील्ड फाइंड करते हैं तो वो इन्फानाइट को टेंड कर जाती है। बच्चों कई बार ग्राफ इस तरीके से भी आता है ड्रॉ करने को, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज यहाँ पर अपने पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक चार्ज है जो कि आपने एक्स इक्वल टू जीरो पर रख दिया है। कहाँ पर रख दिया है, एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है किसके साथ, एक्स के साथ ड्रॉ करना है। अब बच्चों कई बार आपको इसमें डायरेक्शन का ध्यान देना होगा, जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, समझना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज की वजह से सपोज यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। और अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड है और यहां पर फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो जब यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सपोज मुझे पॉजिटिव एक्स में ड्रॉ करना है, तो पॉजिटिव एक्स मतलब कि अगर इस लाइन के इधर देखें तो पॉजिटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ आप पॉजिटिव में ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और अगर मैं नेगेटिव में देखूं, नेगेटिव एक्स में ग्राफ क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से ग्राफ होगा। मतलब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आर इन्फानाइट को जा रहा है फील्ड का मैग्नीट्यूड जीरो की तरफ बढ़ रहा है, और आर जैसे जैसे जीरो की तरफ जा रहा है फील्ड का मैग्नीट्यूड इन्फानाइट की तरफ जा रहा है। और डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि यहां देखो डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव में ग्राफ ड्रॉ किया है, यहां डायरेक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव में ड्रॉ किया है। अब इसी तरह से अगर अपने पास सपोज नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये एक्स एक्सिस हो गई और आपके पास यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है, तो बच्चों आप जानते हो इसकी वजह से यहां पर फील्ड क्या होगी, तो नेगेटिव की वजह से फील्ड होती है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और यहां पर देखेंगे तो भी फील्ड क्या आएगी, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स यहां पर अगर हम देखें तो डायरेक्शन चेंज हो गई। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ एक्स के साथ ड्रॉ करो, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर हम एक्स के साथ ड्रॉ करें यहां पर, तो यह बात बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, यहां पर फील्ड कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि ग्राफ आप नेगेटिव में ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहां पर फील्ड क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो पॉजिटिव में ड्रॉ करेंगे। और फिर से ये बात बिल्कुल क्लियर दिखाई देती कि जैसे जैसे आप एक्स इक्वल टू जीरो की तरफ जाएंगे फील्ड का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और आप एक्स इक्वल टू इन्फानाइट पर जाएंगे तो फील्ड जीरो को अप्रोच करेगी। तो ये दोनों ही ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखें तो ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर अपने पास एक एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखें तो एक स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर के तीन साइड तीन कॉर्नर्स पर तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रखा हुआ है, और आपसे बोला गया है कि पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पर अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम प्लस क्यू, तो मैंने यहाँ पर फील्ड अवे फ्रॉम प्लस क्यू ड्रॉ कर दी, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसी तरह यहाँ पर भी अपने पास एक प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू की वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम प्लस क्यू, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके बाद अपने पास यहाँ पर एक प्लस क्यू है, अब बच्चों अगर देखें तो इस प्लस क्यू से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए रूट टू, देखो ये भी ए है ये भी ए है, तो डायगोनल क्या होगा, ए रूट टू। तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी वो ऐसे होगी, अवे फ्रॉम प्लस क्यू, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय ए रूट टू का स्क्वायर। अब बच्चों अपने को क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि जो के क्यू बाय ए स्क्वायर और के क्यू बाय ए स्क्वायर है, ठीक है, सबसे पहले इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लो। तो अपने पास इस डायरेक्शन में क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में भी अपने पास क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो इनका जो रिजल्टेंट है आपको पता है वो बिल्कुल इनके बाइसेक्टर से होके जाएगा, मिड से होके जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन दोनों के एग्जैक्टली मिड से जाएगा। तो यहां पर हम ये कहेंगे रिजल्टेंट इस तरह से जाएगा, मतलब यहां से 45 डिग्री से, ठीक है। और आप जानते हो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू रूट टू, ठीक है। तो ये तो इसका रिजल्टेंट आ गया। और बच्चों पहले से ही एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो अब आप जो टोटल फोर्स आएगा वो क्या आएगा, देखिए एक फोर्स तो आपने इस डायरेक्शन में लिखा कितना है, के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू रूट टू, और एक फोर्स ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है तो वो भी लिख लेते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाय ए रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, टू ए स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर
सॉरी के क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अपने पास रूट टू प्लस वन बाय टू। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आप क्लियरली देख सकते हैं 45 डिग्री से पास हो रहा है, मतलब नेट फील्ड ऐसे होगी यहाँ से 45 डिग्री पर, ठीक है इस तरह से। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें आपने देखा कि तीनों ही पॉजिटिव चार्ज थे और हमने तीनों की वजह से अलग अलग फील्ड कैलकुलेट की, फिर उसका वेक्टर सम कर दिया, ठीक है वेक्टर एडिशन कर दिया। बस ध्यान रखना आपको वेक्टर एडिशन करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, इसमें एक प्लस क्यू चार्ज आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से ए डिस्टेंस पर माइनस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू से ए डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट ए गिवन है और इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज, और बच्चों ये बताओ प्लस क्यू से जो पॉइंट ए है वो कितनी डिस्टेंस पर है, तो प्लस क्यू से पॉइंट ए 2a डिस्टेंस पर है। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर पहले तो फील्ड की डायरेक्शन देखो, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसकी वजह से फील्ड होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और फील्ड यहां पर सपोज मैं इसको लेट कर लेता हूं E1, ठीक है तो E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों क्या होगा के क्यू डिवाइडेड बाय कितनी डिस्टेंस है 2a, तो 2a का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हम यहां पर देखते हैं कि जो अपने पास माइनस क्यू चार्ज है, सोचो माइनस क्यू से अगर देखा जाए तो डिस्टेंस कितनी है a, तो माइनस क्यू की वजह से पॉइंट a पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी माइनस चार्ज है तो टूवर्ड्स माइनस होगी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा सपोज E2 मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो E2 अगर यहां पर लिखा जाए E2 विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय कितनी डिस्टेंस है यहां पर a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों ये बताओ E1 और E2 में किसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, तो आप कह सकते हैं E1 कम है E2 ज्यादा है। देखो नेगेटिव चार्ज से पॉइंट ए पास में है, तो नेगेटिव पॉइंट ए के पास में कौन सा है नेगेटिव चार्ज, तो नेट फील्ड किसकी वजह से आएगी नेगेटिव की वजह से आएगी, क्योंकि नेगेटिव की फील्ड यहां पर ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर आएगी नेगेटिव की फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चलो फाइंड करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी E2 माइनस E1। अब बच्चों इन सब की वैल्यूज रख देते हैं, E2 अपने पास क्या है के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3kq डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितनी आ गई 3kq डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो आपने देखा कि पॉजिटिव की वजह से क्या थी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से क्या थी टूवर्ड्स नेगेटिव, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की फील्ड की डायरेक्शन में आई है और कितनी आई है 3/4kq बाय a स्क्वायर। तो बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें आपको ये समझ में आता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव अगर दोनों दिए जाएं तो हमें फील्ड किस तरह से फाइंड करनी है। बच्चों अपने पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है और इसके हर एक वर्टिसेस पर हर एक कॉर्नर पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। बच्चों इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि प्लस क्यू से अगर मैं सेंटर तक की डिस्टेंस देखूं तो यहाँ पर हर एक चार्ज से सेंटर तक की डिस्टेंस सेम होगी, यानी मैं किसी भी चार्ज से सेंटर को ज्वाइन करता हूँ सेंटर से उस चार्ज तक की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो हर एक चार्ज के लिए वो सेम होगी। इसके बाद अगर आप देखें तो हर एक प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मैं एक एक करके यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि अगर मैं प्लस क्यू की वजह से देखता हूँ, सपोज आप इस प्लस क्यू की वजह से देखें तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, तो यहाँ पर एक और प्लस क्यू है जिसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर फील्ड ऐसे आएगी, इसकी वजह से यहाँ पर ये आएगी, इस प्लस क्यू की वजह से ऐसे आएगी और इस प्लस क्यू की वजह से ऐसे आएगी। और बच्चों अगर आप देखो तो यहाँ सभी फील्ड के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, मैं इनको अलग से ड्रॉ करता हूँ। आपके पास अगर ध्यान दें तो यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं इस तरह से E, सेकेंड यहाँ पर है इस डायरेक्शन में E, थर्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है E, फोर्थ यहाँ पर इस तरह से है E,
फिफ्थ यहाँ पर इस डायरेक्शन में है ई, और सिक्स्थ यहाँ पर इस डायरेक्शन में है ई, ठीक है। तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और बच्चों अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई भी दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, जैसे इन दो के बीच में जो एडजेसेंट हैं इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो टोटल एंगल कितना होता है 2π, और सिक्स फील्ड हैं तो 2π/6। ये वाला एंगल भी कितना होगा 2π/6, ये एंगल 2π/6, ये एंगल भी 2π/6, ये वाला एंगल भी 2π/6, और ये भी एंगल कितना होगा 2π/6। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिक्स इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, इक्वल वेक्टर इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज 6 इक्वल वेक्टर हैं। और यहाँ पर कोई भी दो एडजेसेंट उठा लें उनके बीच में एंगल कितना है 2π/6। तो बच्चों आपको पता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ये आपने वेक्टर में पढ़ रखा है कि अगर अपने पास n वेक्टर्स हैं और एडजेसेंट के बीच में एंगल है 2π/n, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो, ठीक है, यहाँ पर अपने को जीरो रिजल्टेंट मिलता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल अपने पास 6 वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, और कोई भी दो के बीच में एंगल देखें तो 2π/6 है, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी रिजल्टेंट फील्ड जो होगी अपने पास, रिजल्टेंट फील्ड वो कितनी होगी, जीरो, रिजल्टेंट फील्ड विल बी जीरो। यानी कि रेगुलर हेक्सागन है और यहाँ पर 6 वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं, तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और बच्चों रेगुलर हेक्सागन ही नहीं, आपको कोई भी रेगुलर पॉलीगन दिया हो, सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन ना होके अगर अपने पास सपोज यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, और फिर आपसे कहा जाता कि एक चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू, उतना ही चार्ज यहाँ पर रखा है प्लस क्यू, और उतना ही चार्ज यहाँ पर रखा है प्लस क्यू, और फिर अपने से बोला जाता सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप जानते हैं इस प्लस क्यू की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आती, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड ये होगी, और इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर ये होगी। तो बच्चों इन तीन वेक्टर्स में से देखें तो कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 2π/3, यानी कि अगर यहाँ पर भी रिजल्टेंट देखें तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि सेंटर पर फील्ड क्या आएगी, जीरो। यानी कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा और इक्वल चार्जेस अगर कॉर्नर्स पर रख दिए जाएं तो सेंटर पर फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको ध्यान रखना है रिजल्ट कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन दिया है और इक्वल चार्जेस रख दें तो सेंटर पर फील्ड क्या होगी, जीरो। अब यहाँ पर अपने पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और हर एक कॉर्नर पर चार्जेस रखे हुए हैं इक्वल, तो सेंटर पर फील्ड जीरो होगी। अब इसी में बच्चों एक क्वेश्चन अपने पास है जिसमें एक रेगुलर पेंटागन है और रेगुलर पेंटागन के 4 कॉर्नर्स पर तो चार्जेस रखे हुए हैं लेकिन 5th कॉर्नर पर चार्ज नहीं है, मतलब कि इस पॉइंट पर आप ये कह सकते हो नो चार्ज, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। सेंटर से चार्ज तक की डिस्टेंस यहाँ पर a है और आपको फाइंड करना है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बच्चों अगर सभी 5 कॉर्नर्स पर चार्जेस होते तो मैं बोलता नेट फील्ड जीरो होगी, बट यहाँ पर एक कॉर्नर ऐसा है जिस पर कोई चार्ज नहीं है और फिर मुझे फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों इसका जो सबसे अच्छा मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ, जो बेस्ट मेथड होना चाहिए इसका सॉल्व करने का, कि सबसे पहले आप उस कंडीशन तक पहुँचें जिस पर आपको फील्ड पता है कि ज़ीरो होती है, ठीक है, वो कौन सी कंडीशन है, कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिन पे चार्जेस रखें वो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है और यहाँ भी प्लस क्यू है। अब बच्चों जिस कॉर्नर पर चार्ज नहीं है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, यहाँ पर चार्ज कितना है, जीरो, तो क्या मैं जीरो को ऐसे लिख सकता हूँ प्लस क्यू और उतना ही माइनस क्यू मैं ले लूँ, तो आपको पता है प्लस क्यू और माइनस क्यू का नेट कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि जहाँ पर चार्ज नहीं रखा है उस पर मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों एक साथ ले सकता हूँ। तो बच्चों मैंने यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जेस यहाँ पर ले लिए जिससे कि नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। अब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, देखिए किस तरह से। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये रेगुलर पेंटागन बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने एक रेगुलर पेंटागन ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों ये बताइए हमने यहाँ पर किया क्या है, हमने यहाँ पर
फाइव कॉर्नर्स पर तो प्लस क्यू, देखो यहां पर है, यहां पर चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, और अब देखो यहां पर भी प्लस क्यू है। तो आप एक काम करें, सभी कॉर्नर्स पर प्लस क्यू रख दें, ठीक है, सभी कॉर्नर्स पर प्लस क्यू रख दें, ठीक है। और लेकिन आपको पता है कि फिफ्थ कॉर्नर पर प्लस क्यू के साथ माइनस क्यू भी है, तो उसको हम लोग अलग से ऐड कर देंगे, यानी कि फिर से हम ये ड्रॉ करेंगे, पेंटागन हमने यहाँ ड्रॉ किया। और बच्चों जिस कॉर्नर पर हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों रखा था, तो हमने प्लस क्यू तो अलग कर दिया और माइनस क्यू हम यहाँ रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो नेट अगर देखो तो इन दोनों का अगर सुपर पोजिशन लिया जाए तो अभी भी आप देख सकते हो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू मिला के कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेंटर पर फील्ड फाइंड करूँ तो देखो पांचों कॉर्नर्स पर चार्जेस रखें इक्वल, यानी कि इसकी वजह से अगर मैं नेट फील्ड देखूँ तो यहाँ पर नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट फील्ड यहाँ पर हो जाएगी जीरो, यानी कि इन फाइव चार्जेस की वजह से नेट फील्ड विल बी जीरो। और बच्चों बताओ ये जो माइनस क्यू है केवल इसी की वजह से तो सेंटर पर फील्ड होगी, यानी इस माइनस क्यू की वजह से जो सेंटर पर फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स माइनस, और फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यानी ए क्या है, सेंटर से चार्ज तक की डिस्टेंस। तो आपने देखा जो रिजल्टेंट फील्ड आई वो क्या आई, के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर अपने पास लास्ट जो कॉर्नर है उस पर अगर चार्ज नहीं है तो हम उसको प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का सुपर पोजिशन लेते हैं, प्लस क्यू को हम अलग रख देते हैं और माइनस क्यू को अलग रख देते हैं, तो प्लस क्यू बाकी चार्जेस के साथ मिलके कितनी फील्ड देगा, जीरो फील्ड देगा, और जो माइनस क्यू है उसकी वजह से फील्ड होगी और वही यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड होगी। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो अपने पास रिजल्टेंट फील्ड होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है जहाँ पर आपने चार्ज नहीं रखा था उसकी ओर होगी, टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब बच्चों अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अपने पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है और एक और पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस वाई एक्सिस पर रखे हुए हैं, डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए पर ओरिजिन से, और यहाँ पर एक पॉइंट पी है एक्स एक्सिस पर जो कि एक्स डिस्टेंस पर रखा है, और हमें इसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देखिए बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर का बहुत ध्यान रखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ पर अपने पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ से ओरिजिन तक की डिस्टेंस कितनी है ए, फिर यहाँ से उतना ही नीचे जाएंगे डिस्टेंस ए पर, और यहाँ पर एक और प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पॉइंट पी है जहाँ पर हमें फील्ड फाइंड करनी है, वो पॉइंट बच्चों कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। सबसे पहले अपने को काम ये करना है कि ये जो ऊपर वाला प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से फील्ड लिखेंगे। तो बच्चों अगर आप देखें यहाँ पर तो इसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड कैसी होती है, अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चार्ज। इसी तरह इस प्लस क्यू की वजह से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम चार्ज क्यू, यानी कि दोनों की वजह से फील्ड जो होगी वो अवे फ्रॉम होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और बच्चों एक बात बताइए, अगर ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये हाइपोटेन्यूस होगी और कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो जाएंगे। बच्चों इन दोनों फील्ड का रिजल्टेंट क्या आएगा, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे इस ई के मैं कॉम्पोनेंट करूँ तो एक कॉम्पोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा ई कॉस थीटा, और सेकेंड कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा ई साइन थीटा। इसी तरह से अगर बच्चों देखें तो यहाँ पर जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी एक कॉम्पोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, और दूसरा कॉम्पोनेंट अपने पास आएगा ई साइन थीटा। अब एक बात तो क्लियर हो रही कि ई साइन थीटा तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो अपने पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, टू ई कॉस थीटा। अब बच्चों हम एक एक की वैल्यू रखते हैं, जैसे टू, अब बताओ ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपको पता है फील्ड होती है के क्यू डिवाइडेड बाय, बच्चों चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी थी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो के क्यू बाय
आर स्क्वायर होता है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे। देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इट विल बी टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाय टू। ये आपको यहाँ पर बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें मैं एक बात आपको और बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आया करते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है, वो मैक्सिमम होगी, है ना। एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पर फील्ड मैक्सिमम होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो नेट फील्ड आपने फाइंड की है उसको डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में और जीरो कर दें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी के भी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो। तो क्योंकि हमें नेट फील्ड को मैक्सिमम करना है तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल कर देंगे। अब बच्चों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करता हूँ, यानी कि डी बाई डी एक्स, और अपने पास क्या है टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर थ्री बाय टू, और अगर आप इसे डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल करोगे तो ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, वो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू ए बाय रूट टू। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि x इक्वल टू ए बाय रूट टू, मतलब अगर मैं ये वाली डिस्टेंस, मतलब दोनों चार्जेस से ये जो डिस्टेंस, अगर मैं इसको ए बाय रूट टू कर दूँ तो यहाँ पर फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सपोज अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती, यानी कि एक फील्ड तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती और नेगेटिव के लिए क्या होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव। तो वहां पर भी आप इसका मैग्नीट्यूड इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों आज के लेक्चर में जो हमने देखा वो ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या है, फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती है, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स नेगेटिव होती है, फिर कुछ अलग अलग इलस्ट्रेशन से आपने देखा कि किस तरीके से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नल पॉइंट की, और अगर गिवन पेयर ऑफ चार्जेस हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों काफ़ी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आपके यही लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपके पास लेकर के आएँ। थैंक यू बच्चों।